महानगरों की तर्ज पर आजमगढ़ जनपद में नौनिहालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहे ज्योति निकेतन तिराहा बाईपास पर स्थित बचपन चाइल्ड केयर के प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि मात्र 12 दिन के बच्चे की आंत में सूजन आ जाने के कारण बच्चा गंभीर बीमारी की जकड़ में आ गया था, जिसका 22 दिनों में उपचार कर डॉक्टर पंकज यादव ने उसे नया जीवन दिया। सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली गांव के रहने वाले सैयद तनवीर अहमद व इशरत फातिमा को बीते 8 अक्टूबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन 3.5 केजी था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। डॉक्टर पंकज यादव ने बताया कि जन्म के कुछ दिन बाद बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया था। 19 अक्टूबर को परिजनों ने बचपन चाइल्ड केयर में बच्चे को भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि वह काफ़ी गंभीर व क्रिटिकल केस था। ऐसे मामले में जनपद में कोई भी डॉक्टर लेने से हिचकिचाता था, लेकिन परिजनों के हौसले को देखते हुए हमने बच्चे को एडमिट किया और 22 दिनों के उपचार के बाद अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज यादव है और इस वक्त मौजूदा स्थिति में आप बचपन चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में हैं। यह बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिट हुआ था, बेबी अजलान करके नाम है। ये 19 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे एडमिट हुआ था। उस वक्त इसकी उम्र 11 दिन के आसपास की थी। उस समय हमारे पास में जब बच्चा एडमिट हुआ तो इसकी प्रॉब्लम ये थी कि यह बच्चा दूध नहीं पचा पा रहा था, सुस्त पड़ा हुआ था और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी। जब हमने इस बच्चे को एडमिट किया और डायग्नोसिस की तो हमें पता चला कि इस बच्चे को सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आंत का अटकना, मतलब इस बच्चे की आंत पूरी तरह से अटक गई थी और यह बच्चा इन्फेक्शन से काफी हद तक ग्रसित था। तो इस तरह के बच्चों में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, यह बहुत ही मॉर्टेलिटी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और मैक्सिमम डर इस बात का होता है कि आंत अटकने के बाद में आंत में सूजन आ जाती है और आंत फटने का डर होता है। तो इन प्रॉब्लम्स के साथ में यह बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिट हुआ था। अभी क्या स्थिति, कितने दिन आपने उपचार किया है? अमूमन इस तरह के बच्चों में हम यूजुअली देखते हैं कि बच्चे जल्दी रिस्पांस नहीं देते हैं। एक बार आंत अगर अटक जाती है तो वापस से उस आंत की सूजन को कम होना या वापस से वो एक नॉर्मल परिस्थिति में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। बट गार्जियन के सपोर्ट के साथ में और हम लोगों ने नियोनेटल नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो किया और डर तो काफी था, रिस्क भी बहुत ज्यादा था, बट हम लोगों ने एक विश्वास के साथ में आगे बढ़े और जो उसके लिए एक उम्दा इलाज और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थे वो फॉलो किया और ग्रेजुअली उस बच्चे में हमें धीरे धीरे सुधार मिलने लगा। तो करीबन 20 से 22 दिन लग गए इस बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ होने में। अभी क्या स्थिति है? अभी उसकी स्थिति एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह से है। हम लोगों ने इस बच्चे के जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया और आंत धीरे धीरे रिस्पांस देने लगी और उसको हम लोगों ने धीरे धीरे मिल्क फीडिंग भी इनिशिएट की, जो कि 2 ml से स्टार्ट की थी और आज की डेट में वो बच्चा 20 से 25 ml पूरी तरह से आराम से पचा ले रहा है, इन्फेक्शन से फ्री है, फुली एक्टिव है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। जनपद में अक्सर देखा जाता है कि ऐसे केसों को कोई डॉक्टर लेते नहीं है, तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है, क्या सोचा? देखिए, अमूमन डॉक्टर्स को भी एक बड़ा इशू इस बात का होता है कि गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो डिस्पाइट बीइंग बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे फॉलो अभी दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही ट्रीटमेंट बाहर भी जाके मिलता है, बट गार्जियन को भी एक सपोर्टिव रोल में आना पड़ता है। तो इस केस में हमें सफलता ज्यादा इस वजह से मिली है क्योंकि जो गार्जियन थे वो बहुत सपोर्टिव थे। उन लोगों ने हमें पूरा मौका दिया इस बच्चे को इन्वेस्टिगेट करने का, इस बच्चे को ट्रीट करने का और हर तरीके से हर कदम पे इन लोगों ने जो जो रिस्क थे उसको एक्सेप्ट किया
और इससे हम लोग को भी एक अंदर से साहस मिलता है कि हम लोग इस तरह के केसेस को लेके उसको ठीक कर सकते। वहीं बच्चे को स्वस्थ पाकर परिजन काफी खुश हैं। परिजनों ने मीठा खिलाकर डॉक्टर पंकज यादव का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं बच्चे की माँ इशरत फातिमा ने बताया कि हम लोग उम्मीद हो चुके थे कि डॉक्टर पंकज यादव ने बच्चे को नया जीवन देकर हम सभी के जीवन में खुशियां भर दें, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। मेरा नाम इशरत फातिमा है, हम भदली गांव से रहने वाले हैं। आपके बच्चे को क्या हुआ था, पूरी बातें बताइए। मेरे बेटे को जो इन्फेक्शन हो गया था, जो हम उसको समझ नहीं पाए थे, और उसकी आँत उलझ गई थी और उसका वेट बहुत तेज़ी से कम होने लगा था, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा समझने में दिक्कत आई। और बच्चे को लेकर जब यहाँ डॉक्टर के पास आए, वो देखकर शॉर्ट हो गए। उन्होंने तुरंत बच्चे को आईसीयू में डाला। उसके बाद जो है उन्होंने उसका इलाज करने में बहुत तेज़ी से काम किया, और उन्होंने कहा कि आप इसके ले आकर सर्जरी करा सकती हैं, मगर हम लोगों ने उनसे कहा कि नहीं, जो भी कुछ करेंगे आप करेंगे। उन्होंने मेरे साथ मिलकर भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और मेरे बच्चे को ठीक भी कर दिया। अभी कैसा है आपका बच्चा? मेरा बच्चा पहले से बहुत बेहतर है और अच्छा, पूरा फिटनेस होकर मिला है। कितने दिन यहाँ पर रखा गया था, कितनी उम्र है अभी उसकी? उसकी 1 महीना 2 दिन उम्र है और मेरा बच्चा यहाँ पर 22 दिन था। मेरा नाम खुर्शीद अहमद, सागर आर्ट के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरा घर भदली में है, आजमगढ़ से करीब। मेरा भतीजा 12 दिन का था जो अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और पेट में सूजन, अकड़ी में सूजन आने की वजह से काफ़ी मामला सीरियस था और बिल्कुल हम लोग नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन इस उम्मीद के साथ यहाँ बचपन चाइल्ड केयर में लेके आया डॉक्टर पंकज यादव जी के यहाँ। इससे पहले भी हमारा एक भांजा यहीं से ठीक होकर गया था और ले आए, तो हमारे उम्मीदों पर खरे उतरते हुए डॉक्टर पंकज यादव साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट और इलाज किया और बड़ी अच्छी देखभाल हुई, जिसकी वजह से हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी बड़े शहर का मुंह नहीं देखना पड़ा और इसी आजमगढ़ में हमारे भतीजे को एक अच्छी सेहत मिली। 22 दिन के अंतराल में हमारा भतीजा आश्वस्त होकर के अपने घर जा रहा है। हम इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं और लोगों से अपील भी ये करते हैं कि अगर आपके भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक मतलब इनसे सलाह जरूर लें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।